हेलो, लेट अस सी द थर्माइट प्रोसेस। व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस? थर्माइट प्रोसेस का यूज कहां पे होता है? थर्माइट प्रोसेस का यूज स्पेशली रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में होता है। लेट अस सी थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, उसको पहले देख लेते हैं। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच अ मेटल ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड, इसकी बात कर रहा है, आयरन ऑक्साइड। अ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड By एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। किसको? आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और इससे प्योर मेटल यानी कि आयरन मेल्टेड फॉर्म में यानी कि मोल्टेड फॉर्म में मिलता है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा किस चीज का सिंबल है? हीट का, हीट एंड एनर्जी का सिंबल है, हीट एंड एनर्जी का एनर्जी। तो इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर अराउंड 1200 से ऊपर जाता है, यानी कि ये आयरन यहाँ पे पिघला हुआ दिखेगा, इसीलिए मैंने लिक्विड स्टेट में लिखा है। तो रिएक्शन क्या होगा? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज एन एक्सोथर्मिक, मतलब कि इसे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड यानी जनरेटेड ड्यू टू दिस एक्सट्रीम हीट। ये इतना ज्यादा हीट होता है कि आयरन को पिघला देता है। आयरन इज ऑब्टेन्ड इन मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन का मतलब लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में आयरन ऑब्टेन हो गया है। अब इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज हम रेलवे ट्रैक्स जो टूटा हुआ है उसको जोड़ने में करते हैं। लेट अस सी आयरन ऑक्साइड, ये थर्ड टाइप का आयरन याद रखना जिसका वैलेंसी क्या 3 है। तो आयरन मेटल इज प्रोड्यूस्ड, आयरन मेटल प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन मिक्सचर ऑफ आयरन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जब मिक्सचर लेके क्या किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट का नाम मतलब जब जलाया जाता है। सो द आयरन इज ऑप्टेन, आयरन ऑप्टेन होता है मोल्टेन स्टेट में यानी पिघले हुए स्टेट में, जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है। दिस प्रोसेस इसी प्रोसेस को हम रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो थर्माइट प्रोसेस समझ में आ गया आपको, रिएक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। ये रिएक्शन कभी कभी दो तरीके से पूछता है। पहला, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिख रहा है हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पे लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। फिर उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, मतलब दो टाइप का रिएक्शन इसमें है, डिस्प्लेसमेंट भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा थर्माइट प्रोसेस। दैट इज ऑल, थैंक यू।